आयुष्मान खुराना एक बहुत ही अच्छे सुलझे हुए कलाकार हैं और बहुत ही अच्छा एक्टिंग करते हैं। उनका एक्टिंग देखने के बाद लोगों को लगता है कि ये एक्टिंग का बादशाह है। आपको ये जो फिल्म है ड्रीम गर्ल 2 में काफ़ी इंटरटेनिंग है। फिल्म देखते में आप काफ़ी हंसेंगे, आपकी सारी टेंशन भूल जाएंगे। थिएटर में कुछ ऐसा मैसेज लेकर भी आएंगे जो आपने सुना होगा कि फिल्म होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए, जिसके काम कर रहे हैं आयुष्मान खुराना। ये जो फिल्म है ड्रीम गर्ल 2 मात्र 35 करोड़ की बजट में बनी है। ये कहानी, अब इसकी कहानी क्या है कि ये कहानी में मथुरा के एक लड़का है आयुष्मान खुराना जी, करण के पिता, जो करण के नाम से जाने जाते हैं, करण यानी आयुष्मान खुराना जी, करण के पिता जगजीत सिंह यानी अन्नू कपूर ने बहुत सारा कर्जा ले रखा था। अब इनको आयुष्मान खुराना जी का करण का अनन्या पांडे से प्यार हो जाता है और उसके पापा है अनन्या पांडे के शादी पर दबाव बनाते हैं। अब करण बेचारे करे तो क्या करे, इन्हीं उधर भूल में रहते हुए इस फिल्म को बड़ा ही कॉमेडियन बनाने बन जाती है और एक थिएटर में हम लोग को देखने जाना पड़ता है। फिर ड्रीम गर्ल की डेटिंग पर इस थिएटर में मजा ही आता है। आते हैं फिल्म के बारे में, बताएंगे ये फिल्म कैसी है। पहले सीन से ही ये फिल्म मज़ेदार है, आप बिल्कुल बोर नहीं होंगे, खूब हंसते रहेंगे, बशर्ते कि आपको फिल्म में घुस के बैठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा फिल्म क्या है, नहीं तो आप इधर उधर चले जाएंगे, ध्यान चली जाएगी तो फिल्म में बहुत सारी चीज़ आप मिस करेंगे। ये फिल्म जितनी अच्छी बढ़ती आगे ड्रीम गर्ल की दुनिया में आप गुम हो जाते हैं, सारी टेंशन भूल जाएंगे देखने के कारण। जब आप फिल्म को देखें मज़ेदार सीन आते हैं और सोशल मैसेज भी मिलता है बहुत ही बिना ज्ञान के मज़ेदार तरीके से। अब हम आपको एक्टिंग के बारे में बताने जा रहे हैं कि एक्टिंग आयुष्मान खुराना ने एक बार फिर से दिखा दिया कि वो दमदार कमाल के एक्टर है। उनको लेकर कहा जाता है, जो कहा जाता है सही कहा जाता है, अलग से एक इंटरटेनिंग पर्सन है। ड्रीम गर्ल में पूजा की आवाज़ होती है, आपके रूप में वो काम करते हैं। और उसके बाद अनन्या पांडे के भी रोल अच्छे हैं, करम के पापा के किरदार भी अच्छे, अनु कपूर भी शानदार है। इस तरह एक अच्छी केमिस्ट्री फिल्म की बनी है। परेश रावल का भी अच्छा काम है, राजपाल यादव भी जबरदस्त है, अभिषेक बनर्जी, मनोज जोशी, सीमा पाहवा, मंजोशी बहुत ही अच्छा काम। अब आते हैं कि डायरेक्शन पे, राजा सैनी ने फिल्म को काफ़ी अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया है। फिल्म को नरेश कथुरिया के साथ मिलकर ने लिखा है, बहुत ही दमदार किरदार का, सारे किरदार के साथ जो है ना आर्टिस्ट के साथ इंसाफ किया है। इसके अलावा फिल्म में अच्छी तरह से पकड़ आई है। हम उम्मीद करते हैं कि ये डायरेक्टर ने बिना ज्ञान दिए हुए को अच्छी अच्छी सलाह समझाई है जो हमारे समाज के लिए ज़रूरी है। कुल मिलाकर फिल्म को देखने लायक है। गदर 2, ओ माई गॉड, इस कामयाबी के बीच में ये भी फिल्म भी अपनी अच्छी जग पकड़ बनाएगी और जगह जरूर बना लेगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है, इसको 1000 का लाइक किया गया, शेयर कीजिए और टारगेट दीजिए। साथ साथ है कि यह फिल्म और भी लोगों को बताइए ताकि हम लोगों को बताएं, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फिर उसके बाद कौन सी वीडियो आपको अच्छी लगती है हमें